माइकल जॉर्डन की लेजेंडरी जर्नी से लेकर आइकॉनिक ऐसे सीरीज तक स्पोर्ट डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी शोज आपको लंबे टाइम तक स्पोर्ट्स से जुड़े रखते हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड सीरीज के थ्रू आप किसी भी टीम और स्पोर्ट इवेंट के सक्सेस और फेलियर्स को जान सकते हो। यह न केवल आपको एंटरटेन करती है बल्कि आपको लाइफ में इम्पॉसिबल थिंग्स को हासिल करने के लिए मोटिवेशन भी देती है। इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट स्पोर्ट डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी शोज के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। द लास्ट डांस अब तक की सबसे अच्छी स्पोर्ट डॉक्यूमेंट्री है। अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में आपको इमोशन, क्रिएटिविटी और लीडरशिप का कॉम्बिनेशन मिलेगा। मेनली इसमें लेजेंड माइकल जॉर्डन की स्टार्टिंग से एंड तक की स्टोरी है, साथ ही जॉर्डन के बाकी इनक्रेडिबल करियर को कवर किया गया है। 10 पार्ट में बनी इस डॉक्यूमेंट्री को ग्लोबली बहुत पसंद किया गया। 15 मिलियन से अधिक फैंस ने द लास्ट डांस का फर्स्ट एपिसोड देखा और लगभग 6 मिलियन ने लाइव देखा, जिससे यह ESPN का अब तक का सबसे अधिक देखे जाने वाला डॉक्यूमेंट्री बन गया। मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि आपको इस डॉक्यूमेंट्री को एक बार जरूर देखना चाहिए। इसके IMDb रेटिंग 9.5 की है जो कि बहुत अच्छी है। फॉर्मूला 1 ड्राइव टू सर्वाइव नेटफ्लिक्स और फॉर्मूला 1 के कंट्रीब्यूशन से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप के ड्राइवर्स और बिहाइंड द सीन को दिखाती है। सीरीज ने अब तक 4 सीजन को कवर किया है। इसे 5 मई 2022 को 5वें और 6वें सीजन के लिए रिन्यूड किया गया था लेकिन COVID-19 की वजह से हो नहीं सका। 4 सीजन में 2018 से 2021 तक 4 चैंपियनशिप शामिल हैं। इस शो ने रेसिंग कार जैसे स्पोर्ट को फैंस के बीच पॉपुलर किया और इसे खेल के लिए नए फैंस जैसे कि अमेरिकन को फेस करने का क्रेडिट इसी को जाता है। इसकी IMDb पर रेटिंग 8.4 की है। इस एक्साइटिंग स्पोर्ट सीरीज में स्टार्टिंग से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के जर्नी को दिखाया गया है। शो में दिखाया गया है कि स्कैंडल के बाद कैसे ऑस्ट्रेलिया ने अपने ट्रस्ट को और स्ट्रॉन्ग किया। सीरीज में ऐसे 2019 के मैचेस, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और वर्ल्ड कप जैसे इवेंट शामिल हैं। बिहाइंड द सीन और सभी लाइव फुटेजेस खिलाड़ियों के इमोशंस और उनके प्रैक्टिस सेशन दिखाता है। यदि आप एक सच्चे क्रिकेट फैन हैं, दिस सीरीज इज अ मस्ट वॉच। ये आपको ड्रेसिंग रूम सीन्स और ऑल द हाइस एंड लोस ऑफ द टीम के बारे में बताती है। प्राइम वीडियो पर पहला सीजन 12 मार्च 2020 को रिलीज हो गया था और इसमें 8 एपिसोड भी शामिल हैं। दूसरा सीजन जिसमें 4 एपिसोड शामिल हैं 13 जनवरी 2023 को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। इसकी IMDb पर रेटिंग 8.8 की है जो कि बहुत अच्छी है। यह सीरीज टीम इंडिया की कहानी को एक्सप्लोर करती है जो क्रिकेट में इंक्रेडिबल मूवमेंट के बिहाइंड द सीन को दिखाती है जिसे पहले कभी भी फील नहीं किया गया। सीरीज में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2021 के अप्स एंड डाउन शामिल हैं, कैसे टीम इंडिया ने बॉर्डर फोर्ट्रेट को कॉन्कर किया और उस पर जीत प्राप्त की। 4 एपिसोड की यह सीरीज आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यू लिव थ्रू द जर्नी एंड मेक यू फील्ड विद प्राइड। यह एक ऐसी सीरीज है जिसे क्रिकेट फैंस को जरूर देखना चाहिए। द एपिक सीरीज इज अ मस्ट वॉच इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्पोर्ट यू फॉलो। मेरे हिसाब से इससे अच्छी सीरीज कोई हो नहीं सकती देखने के लिए। सीरीज दुनिया के मोस्ट प्रॉमिसिंग टेनिस प्लेयर को फॉलो करती है क्योंकि वे राफेल नडाल एकेडमी में लाइफ का एक्सपीरियंस करते हैं। राफेल नडाल सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग, टूर्नामेंट और एजुकेशन करते हैं। मैनेकोर एजुकेशन और हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट सेंटर में हर कोई अपनी सक्सेस और असफलताओं, चोटों और टारगेट के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। यू कैन वॉच इट ऑन Amazon प्राइम। Amazon प्राइम पर एक दिन पहले रिलीज हुई बेन स्टोक फिनिक्स फ्रॉम द एसेस डॉक्यूमेंट्री में इंग्लैंड करंट टेस्ट कैप्टन का एक शानदार पोर्ट्रेट है जो सबसे कॉन्ट्रोवर्सियल फिगर में से एक है और इंग्लैंड क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किससे पूछते हैं। स्टोक अपने जीवन बदलने वाले प्रदर्शन के बारे में जानते हैं और लोगों को बताते भी हैं कि एसेस 2019 और वर्ल्ड कप 2000 फाइनल में जब वह क्रीज पर थे तो उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा था। इस पर लाइट डालते हुए वह अपने पिता के निधन के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि उन्होंने अपने मेंटल फिटनेस को कैसे ठीक किया और भी बहुत स्टोरीज जो स्टोक ने सीरीज में बताई हैं। आपको जरूर इसको देखना चाहिए। Amazon
अमेजोन के ऑल और नथिंग स्पोर्ट डॉक्यूमेंट्रीज का एपिसोड फैंस को मैनचेस्टर सिटी के बैंडी सीन की तरफ ले जाता है, जो वर्ल्ड लीग में फुटबॉल की सबसे हिस्टोरिक क्लब में से एक है। यह सीरीज पूरे प्रीमियर लीग सीजन के दौरान टीम को फॉलो करती है। फैंस को सिटी फुटबॉल एकेडमी के पिच से लेकर वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज के अंदर ले जाती है। ऑल और नथिंग डिपिक्ट की मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ कैसे प्लानिंग करते हैं मैच से पहले, बहुत सारी अंदर की बातें जानने के लिए मिलेंगी। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि इसको आपको एक बार जरूर देखना चाहिए।